आजकल की दुनिया तनाव और भाग दौड़ से भरी है, जिसे देखो जल्दबाजी में है, काम के तनाव में है, डेडलाइन मीट करने का प्रेशर है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि वर्क फ्रॉम ऑफिस मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हाल ही में आई एक ग्लोबल स्टडी तो यही दावा करती है। कोरोना महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क मोड जो है उसका चलन बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया। कई लोगों ने इसे सुविधा और वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसका जरिया भी माना। लेकिन हाल ही में एक बड़े ग्लोबल अध्ययन में ये सामने आया है कि ऑफिस से काम करना मेंटल हेल्थ के लिए कहीं ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्या क्या इस रिपोर्ट में सामने आया है वो यहाँ पर हम आपको विस्तार से बताते हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेहतर है ये कहा गया है। माइंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेपियंस लैब्स जो है उसकी ये स्टडी है। 65 देशों के 54,831 कर्मचारियों से जो डेटा मिला है उसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। ऑफिस में अच्छे रिश्ते मानसिक सेहत के लिए बहुत अहम होते हैं। ये भी इस रिपोर्ट में सामने आया कि जब आप अपने काम को लेकर गर्व महसूस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। अमेरिका यूरोप में हाइब्रिड वर्क मोड जो है उसके कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में ऑफिस से काम करने वाले कर्मचारियों की मानसिक सेहत जो है वो ज़्यादा बेहतर है। भारत की बात करें तो यहाँ पर टीम के साथ मानसिक सेहत में सुधार जो है उसका पैटर्न दूसरे देशों से ज़्यादा स्पष्ट आया है कि अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो आपकी जो मानसिक सेहत है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आपके संबंध वहाँ पर अच्छे चल रहे हैं और आप अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं, ये साफ है। हम सब जानते हैं कि काम का बोझ जो है वो मानसिक सेहत के लिए एक बड़ा बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट उस पर डालता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 13% भारतीय कर्मचारियों ने काम के बोझ को असहनीय बताया है। लेकिन अगर इसकी तुलना हम ग्लोबल स्तर पर करें, अगर वैश्विक स्तर पर करें, तो काम को असहनीय बताने वाले जो हैं वो ज़्यादा थे, 16% थे। भारत की अगर हम बात करें तो 5,090 कर्मचारियों का ये सैम्पल साइज था जिसमें ये बात सामने आई है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक जुड़ रहे हैं, डॉक्टर कपिल काकर। डॉक्टर कपिल काकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला आपने। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा वर्कलोड अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है लगातार। और अगर इस रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो तनाव, टॉक्सिक जो ऑफिस का जो एनवायरमेंट होता है, और हाल ही में पुणे में 26 साल की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट युवती है उनकी मृत्यु से ये जो बहस शुरू हुई उसके बैकग्राउंड में ये रिपोर्ट सामने आती है। लेकिन एक बड़ा कारण यहाँ पर बताया गया है कार्यभार को लेकर, कि अगर ऑफिस में लोगों से आपके रिश्ते अच्छे हैं, आप अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस ज्यादा बेहतर है। देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बर्नआउट था, जो एक बर्नआउट होता है, एग्जॉशन होता है, उसको एक तरह से उन्होंने माना है कि ये एक तरह से बीमारी है, मेडिकल बीमारी नहीं है, बट इससे लोगों की सेहत पे, वेलबींग पे असर पड़ता है। तो अगर आप देखिए कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट से कितना कंजीनियल है, कितना कंफर्टेबल है, और उसका आपका साइको फिजियोलॉजिकल उस बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो वहां से आपकी वेलबींग प्रोड्यूस होती है। अब जहां तक सर्वे की अगर आप बात करते हैं, आप देखेंगे कि अगर कोई भी आदमी, मान लीजिए अगर आप जिम जाते हैं, तो अगर आप जिम जाते हैं तो आपकी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आप आसपास लोगों को देखेंगे, उनसे भी आपके वहां पे रिलेशनशिप भी बनेंगे। और अब वही जिम अगर आपके घर में भेज दिया जाए, आपको बोला जाए आप अकेला करें, तो आपका कुछ टाइम बाद मोटिवेशन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आपने रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि जब आदमी टीम में काम करता है, इंडिया में कॉर्पोरेट में काम करता है, तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम है जब वो ऑफिस जा रहा है विज़ होम। आई थिंक यही आपने कहा है। पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो सैंपल साइज यहाँ पे सिर्फ 5,000 लोगों का जो सैंपल साइज है, ये बहुत ही वीक सैंपल साइज है किसी भी इंडिया में किसी भी चीज को सिग्निफिकेंटली प्रूफ करने के लिए। अगर आप इसको दूसरे हिसाब से देखेंगे, इंडिया में ऑन एवरेज एक आदमी 48 आवर्स काम करता है, यूएस में एक आदमी एवरेज हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, और यूरोप में एक आदमी 35 से 36 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। तो जैसे जो बर्नआउट वगैरह वाली सिचुएशन है वो इंडिया में ऑटोमेटिकली बहुत हाई है। और इसके लिए मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ आपको, आपके व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर 35-36 to 40 आवर्स यूरोप और यूएस में है, वहां पर उन कंपनीज की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज भी होती है। बिल्कुल,
जो कि हमारे इंडिया में अभी वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है। हम लोग के यहाँ पे अभी भी देखा जाता है, इफ यू आर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स इट इज अ बैज ऑफ ऑनर। जैसे अगर आपको याद हो कि नारायण मूर्ति जी ने भी कहा था कि हफ्ते में 70-70 घंटे काम करने चाहिए, तो हम लोग अभी भी उस फिलोसफी पे चलते हैं। बट अगर आप उसको देखेंगे ग्राउंड लेवल पे, ये वाली चीज काम नहीं करती है और बर्नआउट होना, स्ट्रेसफुल होना लाइफ में लोगों के बहुत स्वाभाविक हो जाता है। बिल्कुल, और शायद यही वजह रही डॉक्टर कपिल की, जब हमने देखा जब कोविड आया तो उसके बाद वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क मोड का चलन जो है वो तेजी से बढ़ा और कई लोगों ने इससे फायदा भी उठाया, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो उनका बेहतर हुआ। बिल्कुल, देखिए जब वर्क लाइफ बैलेंस आपका, देखिए वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है कि जब आप अपने चीजों से कंफर्टेबल है, जब आपको लगता है यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर लाइफ, जब आपको लगता है कि आपकी कंपनी का कंट्रोल नहीं है पर आपका ज्यादा कंट्रोल है, तो आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाएंगे। व्हेन यू कैन चूज द टाइम दैट यू नीड टू वर्क, आप कितनी देर काम करेंगे घर से, तो वो जो फ्लेक्सी आवर्स होते हैं। और जो हाइब्रिड मोड होता है वो इंडिया में, क्योंकि इंडिया के अंदर मॉनिटरिंग वगैरह थोड़ी ज्यादा है, तो वहां पे एक आदमी को एक रिलीफ मिलता है साइकोलॉजिकली कि ठीक है, आई एम नॉट बीइंग वॉच्ड राइट नाउ इफ आई एम वर्किंग फ्रॉम माय होम। तो वो वाली, पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है कि कई बार आदमी बहुत कंप्लेसेंट हो जाता है। कई बार अगर आप बाहर की दुनिया से डील कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे कॉर्पोरेट में, मैं पिछले 25 सालों से मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, वहां मैंने देखा है जो आप एचआर वगैरह में कॉर्पोरेट्स में, आपने उनको आज मेल लिखी, अभी लिखी आपने उनको, वो आपको 8 बजे रिप्लाई दे रहे हैं। अब वो अपने हिसाब से फ्लेक्सी आवर्स पे काम कर रहे हैं, बट अगर आप उसका रेमिफिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, वो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की कम हो रही है। एम्प्लॉय की बढ़ सकती है बट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो वो जो बैलेंस आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो हर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका कोई थंब रूल नहीं है कि आपको क्या हाइब्रिड चलना चाहिए, कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, या आपको पूरा टाइम ऑफिस से जाके काम करना चाहिए। दिस डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, द काइंड ऑफ वर्क, द नेचर ऑफ। तो डॉक्टर कपिल, अब जब बात आगे बढ़ी गई है तो यहाँ पर अब क्योंकि ये सैंपल साइज छोटा है, ये बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक क्योंकि टॉपिक छिड़ा है तो यहाँ पर ये जरूर आप हमारे दर्शकों को बताएं, जिस तरह का प्रेशर आजकल चल रहा है काम को लेकर, हम देखते हैं कि दबाव जो है वो कम होता नजर नहीं आता, चाहे वो किसी भी स्तर का काम हो, छोटे स्तर का काम हो, बड़े स्तर का काम हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में चले जाइए, मीडिया हाउसेस में चले जाइए, हर जगह प्रेशर अच्छा खासा है। क्या सलाह आप देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो पॉइंट इस रिसर्च में निकल कर आया है वो ये भी है कि अगर आपकी टीम के साथ आपकी अच्छी रैपो है या आप अपने काम को लेकर खुश हैं तो शायद आपकी मेंटल हेल्थ ज्यादा बेहतर हो, ये तो कहीं ना कहीं सच ही है। मैं पहले आपको ना, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, मैं पहले उसका आंसर देता हूँ कि लोगों को इंडिया के अंदर खासकर और ये साउथ एशियन कंट्रीज में ज्यादा है, साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा है, वो क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टीटास्किंग को प्रमोट किया जाता है। मल्टीटास्किंग के ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि आप ए काम भी करिए, बी भी करिए, सी आपको हम एक्स सैलरी नहीं देंगे, हम आपको एक्स प्लस वाई दे देंगे, हम आपको 1.5 टाइम्स ज्यादा दे देंगे, पर हम तीन तीन अलग अलग चीजों से का आपसे काम लेंगे, जिसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो जब ये मल्टीटास्किंग हो जाता है, एक आदमी के ऊपर ऑटोमेटिकली इतना प्रेशर पड़ जाता है कि उसके पास अगर उसकी टीम अच्छी नहीं है और अगर वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उसकी मल्टीटास्किंग नहीं होती कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है, ये भी करो, सी भी करो, तो वहां पे उसके ऊपर स्ट्रेस आना बहुत नेचुरल है। इसलिए जैसे आपने कहा कि टीम बिल्डिंग के अंदर अगर हर एक आदमी अपनी मल्टीटास्किंग को भी इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट करता है तो एक कोहेसिवनेस टीम में आती है, जिससे जो स्ट्रेस लेवल है वो उसका इम्पैक्ट कम रहेगा। पर मैं एक और चीज आपको कहना चाहता हूँ, स्ट्रेस इटसेल्फ इज नॉट बैड, विच इज कॉल्ड यू स्ट्रेस। When the stress exceeds, जब वो बहुत जरूरी से ज्यादा बाहर आ जाता है, then it is called a distress. Distress is bad. But stress एक ऐसी चीज़ है जो आपको motivation के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर ये कही है डॉक्टर कपिल की, स्ट्रेस ज़रूरी भी है लेकिन तब तक जब आपके वो परफॉर्मेंस के लिए, आपको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक करे, आपको वो प्रोत्साहित करे, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तब शायद कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और इसीलिए आपका अगर काम का माहौल अच्छा है, अगर आप अपने काम को पसंद करते हैं, तब वर्क फ्रॉम ऑफिस अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कपिल आपका इस तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।